एक अजीब अलमिया ये है कि जो रातें आती हैं अल्लाह तबारक व ताला ने जिसमें अल्लाह ताला अपना ख़ास फजल व करम नाजिल फरमाते हैं, इनका असल मकसद होना चाहिए था कि बंदे अल्लाह ताला से रुजू करें और इबादत में और दुआओं में ये रातें गुजारें। लेकिन शैतान जो है वो कभी ये पसंद नहीं करता कि मुसलमान सही रास्ते पर चलें, तो शबे बरात के साथ भी कुछ उसने ऐसी रस्में जोड़ दी हैं जिनका न शरीयत से कोई ताल्लुक है, न सुन्नत से कोई ताल्लुक है और न उनका कोई अजर सवाब है, बल्कि उल्टा गुनाह है। मसलन पता नहीं कहाँ से शबे बरात के अंदर आतिशबाजी का सिलसिला खास तौर पर हमारे बर्रे सगीर में चल निकला कि शबे बरात के मौके पर आतिशबाजी करनी चाहिए। लोग आतिशबाजी का सामान लेकर फरोख्त करते रहते हैं, लोग खरीदते हैं और आतिशबाजी की जाती है। बाद औकात इस आतिशबाजी के नतीजे में महल्ले के महल्ले जलकर राख हो गए हैं। हमारे पाकिस्तान कराची में जो बोहरी बाजार है वो इसी आतिशबाजी के नजर हुआ और पूरे का पूरा बाजार जलकर राख हो गया। ये ऐसी चीज है कि जिसका न कोई शरीयत से ताल्लुक, न किसी सुन्नत से ताल्लुक, ना इस पर कोई अजर व सवाब, बल्कि यह उल्टा गुनाह है। लिहाजा इसमें लगा दिया शैतान ने, इस मुकद्दस रात को इस तरह ज़ाय करने के में लगा दिया। एक और रस्म वो हलवा बनाने की है, हलवा पकाकर सारों दुनिया में तकसीम करो। अब इस हलवे की न कोई असल है, न इसका कुरान और सुन्नत में कोई तज़किरा है, लेकिन लोग हलवा बनाकर तकसीम करने में लगे हुए हैं। रात के औकात जो हैं वो इस काम में सर्फ हो रहे हैं। तीसरे ये कि इसमें जलसे मुनाकिद कर दिए जाते हैं, तकरीरें हो रही हैं लंबी चौड़ी। अब ये रात जलसों की और तकरीरों की नहीं है, जलसे तकरीरें या जो कुछ इसकी फजीलत बयान करनी हो वो पहले बयान करनी चाहिए। जब रात आ जाए तो ये रात तो अमल की रात है, लिहाजा इसको जलसों में तकरीरों में जाया करना ये इस रात की नाकदरी है। होता क्या है कि जलसा हुआ, लंबी चौड़ी तकरीरें हुई, आखिर में थक थक आ गए लोग और जाके सो गए पढ़ के, तो ना इस रात की कोई फजीलत हासिल करने का मौका मिला, ना उसमें बारी ताला की रहमतें मुतवज्जे करने का कोई एहतमाम हुआ और रात यूं ही गुजर गई।